हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी आदि ब्लॉग। तो आज हमारी लाडली बेटी जा रही है घूमने, वो भी बेस्ट ऑफ वंडर पार्क। तो आज हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहाँ पे, आदवी और मैं, हम दोनों ही फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो यहाँ है हम मेट्रो स्टेशन पे। तो आदवी ने फर्स्ट टाइम न्यू शूज़ पहने थे, तो वो थोड़ा अपने शूज़ का जो वो पीपी था ना, वो बजा बजा के इंजॉय कर रही थी। और मैं दूसरे लेके घूम रही थी और आदवी के पापा कर रहे थे हमारी वीडियो को शूट। तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं बेस्ट ऑफ वंडर पार्क। तो यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से ना सिर्फ 10 मिनट तक की दूरी पे पैदल पैदल ही ये बेस्ट ऑफ वंडर पार्क है। तो हम पैदल पैदल ही आए। तो फाइनली ये देखिए, हम पहुँच चुके हैं बेस्ट ऑफ वंडर पार्क का। ये है गेट, देख सकते हैं आप लोग। और ये पूरा व्यू है, यहाँ है मेन हाईवे। और यहाँ पे ना वो कुछ खाने पीने की छोटी मोटी सी चीज़ें होती है ना, स्टॉल वगैरह लगा रखा था लोगों ने। तो और अंदर भी है, पर यहाँ पे भी था खाने पीने की चीज़ें। तो सबसे पहले हमें लेना है टिकट अंडर एंट्री के लिए। तो यहाँ पे अब आदवी के पापा जा रहे हैं आदवी को लेके टिकट लेने। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ टिकट के क्या क्या प्राइजेस है। और ये काफ़ी अच्छा सा बना रखा है वेस्ट ऑफ वंडर पार्क, और यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा था। और ये रहा टिकट काउंटर, आदवी लग चुकी है लाइन में टिकट्स के लिए। हमारे हैं संडे को हमें लगा कि कम लोग होंगे, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये मंडे को ऑफ रहता है वेस्ट वंडर पार्क, तो प्लीज़ आप मंडे को कभी ना आए। नॉर्मल डे पे ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक का प्राइस है 50 रुपीज़ बड़े लोगों के लिए, अडल्ट के लिए। एंड बच्चों का प्राइस है 25 रुपीज़। और संडे को है बड़ों का 100 रुपये और बच्चों का 50 रुपये। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 2 टिकट्स अडल्ट वाले, जो कि हमें पड़े हैं 200 रुपीज़ का। और अब हमने ले लिए हैं टिकट्स और हम एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ एंट्री करते ही यहाँ पे कुछ काम चल रहा था, मेट्रो वगैरह का कुछ काम चल रहा था। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह थे, पीने का पानी वगैरह, डस्टबिन वगैरह एंट्री के बाद। और एंट्री के बाद है फिर ये कैंटीन, 7 वंडर कैफ़े। उसके बाद यहाँ पे वेज, नॉन वेज, चाइनीज़, ऑल टाइप डिशेज थे खाने के, और साउथ इंडियन डिशेज भी है। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 12 बजे हमने एंट्री किया, और आपको सिर्फ 4 घंटे मिलते हैं यहाँ पे। 4 घंटे में आपको पूरा विज़िट करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। और यहाँ पे मेरी बेटी कर रही है थोड़ा सा एंजॉय। मॉर्निंग में हम आए हैं यहाँ पे 12 बजे। तो अभी यहाँ पे कैफ़े वगैरह के पास, कैंटीन के पास बहुत कम लोग थे, क्योंकि मॉर्निंग में आते हैं कौन खाने लगता है। तो हमने भी कुछ खाया नहीं आते, हमने सोचा पहले विज़िट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ प्राइजेस वगैरह हैं, आपको मतलब हर तरीके की डिशेज़ मिलेंगी, तो आप यहाँ से खा सकते हैं। अगर आप खा के नहीं आए, हम तो खा पी के निकले थे आराम से। तो अब हम फाइनली जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि यहाँ का आपको पूरा व्यू दिखा दूँ। यहाँ पे सिकंजी वगैरह, लस्सी वस्सी, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फ्राइड चिकन। बाबू डिंग डिंग कर दो, डिंग डिंग कर दो, डिंग डिंग। कहाँ आ गई हो? डिंग 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 डिंग। बाय, फ्लाइंग किस दे दो। तो फ्रेंड्स, आदमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी है, देख सकते हैं आप लोग। बाय बाय, मम्मा को पुप्पी दे दो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आदवी को आज कुछ ज़्यादा ही मेरे ऊपर प्यार आ रहा था। बार बार मम्मा को पूछी पे पूछी, पूछी पे पूछी, पूछी पे पूछी दिए जा रही थी। आदवी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मैं भी थी, क्योंकि मैं आदवी के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। और शुरुआत हम छोटी छोटी जगह से ही कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। यहाँ पे आदवी ने प्यार के बाद किया थोड़ा सा तकरार मेरे साथ, मेरे बालों को खींच खाँच के ऐसी की तैसी कर दी। यार, मैंने सुबह ही अपने हेयर स्ट्रेट किए थे। तो अब हम कर चुके हैं एंट्री, बट हमने एंट्री वाले गेट को चूज़ नहीं किया। वहाँ पे ना मेट्रो का कुछ काम चल रहा था, तो अभी वहाँ से जाना सेफ नहीं था। तो हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, जो कि एग्ज़िट का रास्ता था। तो यहाँ घुसते ही यहाँ पे सुंदर सा एक हमें वाटरफॉल देखने को मिला, बहुत ही प्यारा सा। यहाँ का पानी भी बहुत ज़्यादा सुंदर, वो साफ़ था। यहाँ पे लोग पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में व्यू। काफ़ी अच्छा सा आर्टिफिशियल सा वाटरफॉल बनाया गया था, जो कि मतलब एकदम ओरिजिनल वाला फीलिंग आ रहा था यहाँ पे देख के। और यहाँ पे ना एक पेड़ पे एक छोटा सा मंकी भी लटका हुआ है,
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि यूएसए में है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कौन नहीं जानता इसके बारे में। तो यहाँ पे यूएसए में लोग जाके इसके सामने पिक्चर क्लिक कराते हैं, जिसका मज़ा आप इंडिया में दिल्ली में ले सकते हैं मात्र 50 और 100 रुपये में। तो हमने भी लिए, यहाँ पर हमने खूब सारी पिक्चर क्लिक कराए, रील्स बनाए, वीडियोज़ बनाए और खूब मज़े किए। यहाँ पे सारे लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। कम बेबी कम। अरे जल्दी यहाँ भागो। You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं सेकंड अजूबे के पास, जो कि है रियो रिडीमर। ये है ब्राज़ील में और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। देख सकते हैं आप लोग कितनी बड़ा सा है ये, और यहाँ पे क्राउड देखिए आप लोग, कितना ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे ना इन सब के बारे में ना इन्फॉर्मेशन दी हुई है पूरी। ये देखिए 25 फीट का है, 19 फीट विथ है इसकी, हाई 25 है। और इसके बारे में बताया गया है कि ये क्या है, क्या नहीं, और इसे टच करने पे 1000 रुपये जुर्माना है, एक्सेट्रा। एंड फाइनली थर्ड नंबर पे आता है हमारे इंडिया का ताजमहल। देखिए आप लोग कितना प्यारा लग रहा है, एकदम रियल वाला लग रहा है। बट वही है ना, थोड़ा वाइट कलर का होता ना तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता। तो यहाँ पे आदमी ने कुछ पिक्चर क्लिक कराई, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे अच्छे रोमांटिक पोज देके पिक्चर क्लिक करा रहे थे। बट हमारे साथ क्या हुआ, हम दो ही लोग गए थे, हस्बैंड एंड वाइफ और हमारी बेबी, तो इतना हो नहीं पाता बेबी के साथ। तो हमने ओके ही पिक्चर क्लिक करा ली। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और रात में तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना रात में लाइटिंग वगैरह भी लगती है बहुत सुंदर। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं चौथे अजूबे के पास, जो कि है क्लोजियम, और ये है इटली में। देख सकते हैं आप लोग ये कितना बड़ा है। और पता है सबसे ज़्यादा बड़ा ना यही है, इसने बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रखा था। और यहाँ पे ना जो ये जंजीर लगी हुई है ना, तो इसका मतलब ये कि आप अंदर नहीं जा सकते और किसी भी चीज़ों को टच नहीं कर सकते। तो हमें ना बाहर से ही पिक्चर क्लिक करानी थी, तो मैं आपको ना ये पूरा दिखाती हूँ गोल। ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, और जैसा रियल वाला है ना सेम वैसे ही है। बट ये है कि इन सब में कलर्स नहीं है, क्योंकि ये सारे वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा है, और पूरे गोल में लोग अच्छी तरीके से पिक्चर क्लिक करा रहे हैं। और यहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा है संडे के दिन, बहुत ही ज़्यादा। कई जगह तो ऐसा हो जाता ना कि हम पिक्चर भी नहीं क्लिक करा रहे थे, पा रहे थे, जगह ही नहीं मिल रही थी। और फाइनली फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा
लीनिंग टावर जो कि है इटली में, और ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसने भी बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है। देख सकते हैं आप लोग ये कितना खूबसूरत है। You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed. और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ आसपास में पूरे एरिया में ग्रीनरी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा ये पूरे पार्क में है। पूरा पार्क जितना फैला हुआ है ना, हर जगह सुंदर सुंदर से व्यू बनाए गए हैं बैठने के लिए। देखो इधर, तो फ्रेंड्स ये 6 नंबर पे हमारा आता है ग्रेट पिरामिड। देखिए आप लोग कितना सुंदर है और कितना ज़्यादा बड़ा है, जिसकी आदमी चारों तरफ लगा रही है चक्कर। देख सकते हैं आप लोग धीरे धीरे। Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. So friends, last but not the least, हमारा आता है Eiffel Tower। देखिए आप लोग जो कि है पेरिस में, आप सबको पता ही होगा ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे पिक्चर क्लिक कराने के लिए लोग मरते हैं पेरिस में जाके, बट हमने इंडिया के दिल्ली वाले में ही पिक्चर क्लिक करा लिया। पता नहीं पेरिस में जाना नसीब होगा या नहीं। देखिए आप लोग ये कितना लंबा है और कितना प्यारा लग रहा है, मेरे को तो एकदम रियल वाला लग रहा था। और देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग हैं बैठे हुए हैं, और यहाँ आसपास का एरिया देखिए आप लोग, और यहाँ पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा थे। और यहाँ पे मौका देख के मैंने एक छोटा सा रील बना लिया स्लो मोशन में, और मैंने पिक्चर क्लिक करा ली पोज मार मार के, क्योंकि मेरे को मौका ही नहीं मिला। मैं कैमरामैन बन के घूमती रह गई पूरे टाइम, तो मैंने सोचा कि अब मौका नहीं छोड़ना चाहिए, अब एक छोटी सी रील बनवा ली जाए। तो उसमें भी एक लड़की आ गई बीच में, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। और फाइनली अब हम आ चुके हैं कैफ़े में, पूरा ख़त्म होने के बाद जितने भी वो थे 7 वंडर। हम आ चुके हैं अब यहाँ कैंटीन में, तो यहाँ पे हमने खाए थे समोसे और पाव भाजी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ यहाँ के समोसे ना खाएं। एक समोसा 30 रुपीज़ का था, हमने 60 रुपीज़ के दो समोसे लिए थे, और दोनों ही लाइफ का सबसे वर्स्ट समोसा था वो, मेरा सबसे वर्स्ट से वर्स्ट। तो मुझे तो नफरत सी हो गई। और आज भी यहाँ पे हमारी प्यारी सी बेटी सो चुकी है, देखिए आप लोग। बट मैं वेट कर रही थी इसके पापा का, जो कि लेके आने वाले थे समोसे और पाव भाजी। पाव भाजी तो ओके ओके था, बट समोसे मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आए, और रेट काफ़ी ज़्यादा हाई थे। ऑब्वियस सी बातें हाई होते ही हैं। और यहाँ पे अब क्राउड देखिए कितनी ज़्यादा थी। और फाइनली हम जा रहे हैं घर, तो देखिए sorry the conclusion even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you it's stupid when I'm alone with you I never feel lucid I wish when I first saw you I knew this when I'm with you I feel so useless I feel diluted my heart's been wounded silhouettes of you like a dark never really know just what you want With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।